जिले की जनता के दर्शन बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देना चाह रहा हूँ जिन्होंने जिसने जिले के गरीब की पीड़ा दर्शन जाने और ये 45 सालों से सन 77 के बाद में कभी एक बीघा भी अलॉटमेंट नहीं हुआ। सन 77 में 75 बीघे जमीन अलॉटमेंट हुई और वो भी TC के नाम से अलॉटमेंट हुई। उसके बाद में इस पर कांग्रेस सरकार ने रोक लगा के छोड़ी थी कि ये जमीन अलॉटमेंट नहीं करनी और ये रात दिन संघर्ष जारी रहा। कई वर्षों से मेरे दिल की तमन्ना थी कांग्रेस सरकार में, आपने देखा होगा हजारों की तादाद में काश्तकार इकट्ठे हुए, हमने अड़िया को हम हाथ लेकर के संदेश दिया कि ये जैसलमेर जिले की बहुत बड़ी पीड़ा है और इस गरीबों की पीड़ा जाने और ये ग्रामीण जमीन लोग हटाई जाए और काश्तकारों को अलॉटमेंट की जाए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सपा में चूर कौन गरीब की तरफ ध्यान दिया, दिल में पीड़ा रहती रही। आखिरी हमारी खुदरी सरकार में मैंने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन मैं वसुंधरा जी को 10 बार मिला हूँ, इस जमीन के संबंध में बात करता रहा हूँ, तो इतना ही सवाल के सांसद करेंगे, लेकिन समय बीतता गया। आखिरी जब किसानों को इकट्ठा करके मैंने पूरी जनता जैसलमेर जिले की जनता की तरफ संदेश दिया कि CM साहब ये सबकी पीड़ा है और आपके परिवार ने लंबा शासन किया है कई वर्षों कई पीढ़ियों तक, तो कम से कम हमारी पीड़ा आप जाने, तो उन्होंने गहराई से ली उस बात को और वो आखिरी KK पाठक को यहाँ भेजा। 3 दिन तक सारी जानकारी लेके पाठक को मैं साधुवाद देता हूँ कि ऐसा अधिकारी जिन्होंने पूरी छानबीन करके वापस उन्होंने रिपोर्ट दी कि वक्त समरी सेटलमेंट से जो गांव बसे हुए उन गांव में सारे के सारे भूमिहीन बैठे पीढ़ियों से यहाँ रह रहे। वो बात पहुँचने के बाद में CM ने निर्णय लिया और वो कैबिनेट रिमूव करा, तो मैं कम से कम 3-4 महीने तक हमारा समझौता भी हुआ, वो समझौता देखो मेरे पास पड़ा है कि भाई इस ढंग से इसका निस्तारण करना है। तो CM साहब ने निर्णय लेके ये कह दिया कि अभी ये जमीन जैसे जिले को अलॉटमेंट कर जाए, इनकी मांग जायज है।